मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया एग्जांपल्स के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, लेकिन बुक्स ऐसे नहीं पढ़ाती आपको, किताब में ऐसे मिलेगा। स्कूल के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें, आपको पेपर में आएगा एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आपने एज इट इज जो मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है, 3 नंबर का आएगा, पूरे का पूरा लिखना मैथमेटिकल। तो आप कहेंगे नई चीज है, नहीं नई चीज कुछ नहीं है, पुरानी चीज है, लिखने का तरीका बता रहा हूं कैसे है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या लिखेंगे, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ सेवरल इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, क्योंकि मैंने पार्टिकल्स कोलिजन में 2 लिए 3 लिए, वो कह रहे हैं जी आप एन कोलिजन करवा लो, चाहे एन टक्करें करवा लो इकट्ठे एन बॉल्स की, पर हम इतना मैथमेटिकल कर नहीं पाएंगे, हमारे लिए 2 ही बहुत बड़ी बात है। तो कह रहे पार्टिकल कितने भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर उन सब पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्वड। ये हमने डिस्कस किया, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। और टोटल मोमेंटम होता क्या है, वेक्टर सम ऑफ ऑल लीनियर मोमेंटा ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, सभी पार्टिकल का वेक्टर सम। तो ये लिखना है। और डेरिवेशन के अंदर क्या लिखना है, बिल्कुल ऐसे लिखना है कि कंसिडर करो हमारे सिस्टम में 2 नहीं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। पार्टिकल के मासेस m1 m2 m3 अप टू mn है। m1 की वेलोसिटी v1 वेक्टर है, m2 की v2 वेक्टर है, m3 की v3 वेक्टर है, mn की vn वेक्टर है। तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम नेट क्या है, m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, अप टू mn vn वेक्टर, ये रहा। तो p1 वेक्टर, p2 वेक्टर, अप टू pn वेक्टर। अब इसमें f वेक्टर मान लो एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम के ऊपर। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, dp/dt। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, अगर f की वैल्यू 0 है तो 0 इज dp/dt। तो p की वैल्यू क्या है इसमें, कांस्टेंट है। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है, बट पूरे सिस्टम का मोमेंटम है क्या, p1 वेक्टर, p2 वेक्टर, अप टू pn वेक्टर कांस्टेंट है। तो आपने कहना है कि देखो जी टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बात वही है, लिखने का तरीका थोड़ा सा n नंबर में चला गया। तो बात समझ में आ रही है आपने, आपको बाकी सेम चीज है, बस ये तो मैंने करवाई दी थी, बस p की जगह आपने ये लिख देना p1 वेक्टर, p2 वेक्टर, अप टू pn वेक्टर। लिखने का तरीका यार 2-3 नंबर का आएगा, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए इसमें क्या लिखना है।